हेलो गाइस, तो नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है, पम्मी प्रेरणा ब्लॉग्स। तो गाइस, मैं आज नहाया हूँ और नया टी शर्ट पहना, गुन्नू लाई मेरे को, दो शॉर्ट्स ले आऊंगी आपके लिए। और इधर गुन्नू वीडियो बना रही है, देखो गाइस। और इधर मिसी है, मिसी नहाने जा रही है, क्योंकि ये जा रहे हैं कमला नगर। और मैं भी पूछने आई हूँ, जाऊँगी नहीं, मैं भी पूछने आई हूँ आपसे। कैसा लग रहा हूँ भाई? इतना मैल उतर रहा है, इतना मैल उतर रहा है शरीर में, तो कहा बताऊँ तुम्हें? मुझे तो बता दो। हैं, चल जा जल्दी आ। अभी तो मना कर रही थी, वो पहले ही मना चुकी हूँ मैंने। कहीं ना जा रही है, सारे सूट, कितने सूट आ रहे हैं, जाए ना रही, ये कर ले काम तो कर लेंगे। गाइज, मेकअप सेमिनार्स के टाइम चल रहे हैं ना, तो मैं बहुत सारे शूट अपने कैंसिल कर चुकी हूँ। पर हाँ, जिनके पोस्टर छप गए हैं ना, सिर्फ वो कर रही हूँ। जो न्यू आ रहे हैं उनको मैं अवॉइड कर रही हूँ अभी, क्योंकि ये ठीक होगा, मैं जब जाऊँगी। अभी मेरा खास मन नहीं करता, पर ये बोलता है चली जा, फिर मेरा ना वहाँ जाके भी पूरा ध्यान यहाँ पड़ा रहता है कि क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा। तो मेरा मन में यही चलता रहता है, तो इसलिए मैं जाती नहीं। और फिर ये भी बोर हो जाता है, वैसे घर में सब रहते हैं, पर इसको लड़ने भिड़ने को, गाली गलौज करने को तो मैं ही चाहिए हूँ, तो इसलिए। आज ना आप जब नहाओगे जब, अरे यूँ तो मैं कर दूंगी उससे रेजर तय, जो मेरे पास वो है शेवर। नो नो, 8 तारीख को कटवाई, आज क्या तारीख हो रही है? 24 को, कितने दिन हो गए? 20 दिन हो गए वो आ गई। और गाइस, बॉडी हल्की हो गई है, बहुत बेटी आ गई, शरीर हल्का होगा। इसने अलग पूरे घर में ड्रामा मचाए रखी है। ये क्या है? ये माला किसने बनाई है बेबे? ये क्या है? ये देख रहे हो, बीच में जा रही है गोवा, बीच में माला पहन के। एक अच्छा लग रहा है ना? इसको देख, इसको ये देख लो भैया, मम्मी यार आई है, भाभी लड्डू, और इधर बोलू आया अभी। तो लड्डू चल रहे हैं, नमकीन है, काजू बादाम है, लड्डू लड्डू खा रहा हूँ। खाए को बढ़िया है, है? बढ़िया है, बादाम ये पड़े ही ना, खा ले, बेड पे मत कर, चेटी हो जाएगी जो खा ले। किसमें से काट रहा है? मत फोड़, दूसरा काट ले, मिट्टे पे जान जाता है। ये मेरे को बने लड्डू, हाँ मेरे को बने, किसमें से काट रहा हूँ? किसकी चप्पल? मम्मी की। वाओ, किसकी है? मम्मी लाई। किसकी है? आपकी। वाओ, बच्चा चलो किसी चीज में खुश हो जाता है। चलो पहनो, चलो पहनो, जल्दी पहनो। पापा के लिए कपड़े लाए, पापा को दिखाया आपने? चलो चप्पल पहनो। नोना, ये तो अच्छी है। थैंक यू पापा। मुझे दे दो इन चप्पलों को प्लीज। मम्मा अभी वेट, पापा को सरप्राइज दे दो, दिखाओ फोन। नोना ये ले, पापा को सरप्राइज दे दे, आईज बंद करवाओ पहले पापा की। चप्पल देख रही है उसने अपनी नई, तो आप सरप्राइज देगी, वरना पता है रास्ते में वीडियो दिखाऊंगी, थैला पकड़ के आई है पूरे रास्ते की, मैं दूंगी पापा को। वो देखो नई चप्पल कैसे पहन के दिखाने लगी, हो इतरा रही है नई चप्पल पहन के। ओए मम्मी देखो क्या कर रही है, नानी को दिखाओगे अच्छी है, अब सबको दिखाएगी। ओह ओह, पैर ऐसा करके दिखा रही है।
छोटी नहीं है, बिल्कुल सही है पिना के लिए। तो गाइस ये आ गया मेरा दूध और दवाई, दवाई के बीच में भैया काजू और ये पानी पी गया। देखो इसका पानी पीने का स्टाइल। और अब सोने की तैयारी। खैर अभी नींद तो आ रही, तू सो जा। ठीक है सो जा, गुड नाइट। हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग भैया, आप सो के उठ चुके हैं और अपना जिगरी यार आ चुका है। मुझे आ रहा है, बड़ा सो रहा भाई, दोनों टाइम बड़ा चिकन मार रहा हूं। गरम मोट हो रहा मैं का कमजोर हुआ पड़ा हूं, गरम मोट होगा भाई। पड़े पड़े मेरी दुर्गति हुई पड़ी है बैंक पे। जो दिन रात घूमने वाला बंदा वो 15-20 दिन तक बेड पे पड़ा है, तो मुझे ही पता है मैं कैसे पड़ा। बाकी कोई नहीं, आराम में है, हो जाएंगे ठीक, खा पी के मजबूत हो जाएंगे। अरे गाड़ी तो दूर गति कर रखी है, गाड़ी जो अब तुझे पता हो मेरे हाथ में रह गए तो साफ सुथरी रह गए, अब गाड़ी की दुर्गति हो रही है। तो बोल रहा हूँ वो ठीक से जब करेंगे गाड़ी भी ठीक। तो अपने दोस्त आ रहे हैं यार कॉलेज के, उनके मारे राहुल आया, राहुल का तो फोन आया हूँ, तो मिलते हैं अपने कॉलेज के यार अंदर। भाई अभी मेरे यार सारे दोस्त गए हैं और गुन्नू को देख लो भाई, आज तो मेहंदी वेहंदी है क्या तेरी? मेहंदी वेहंदी है क्या तेरी? आपको लगता है मेरी मेहंदी और हल्दी में मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी? और कैसे पहनेगी? जिस तरीके से मुझे शौक है ना, मैं मेहंदी हल्दी में भी 50-50 हज़ार की ड्रेस लेके आऊँ। तो भाई चलो निशी गई है घर, कुछ कपड़े वपड़े लेने गई है पर मौसम के, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। जय बाबा। निशी आ गई है, निशी घर गई थी कपड़े वपड़े लेने अपने, कपड़े नहीं कोलैब कोलैब के कपड़े लेना गई थी। और नूना भी उठ गई, कौन चलेगी? नूना गई अभी बाहर, ये सारे सूट सिलवाने लेके आ रहे हैं, सूट वूट सिलवाने देने हैं इसे कोलैब के। नूना मम्मी बुला रहे हैं। नूना 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 कौन चली? नूना नूना ये ले, नूना नूना ये लो चीची। बेड पे तो चलो गाइस, अभी भाई भी आया हुआ है, भाभी भी आई, मम्मी अभी होके गई है और अब तो गए वोट डालने, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस नोना अभी सो के उठी है दोपहर के 3 बजे। अरे पापा को चोट लग रही है। आप गाइस कोई भी आता है ना बोलते हैं पम्मी को ले जाए, तो पता है रोज सुबह उठ के आगे देखती है पापा यहाँ है कि गए। मैं जाऊं? यहीं सो जाओ, इसे एनी टाइम पम्मी चाहिए। पता है क्या करती है, कमरे में बार बार आती रहती है देखने की ये है कि नहीं। भूत लो दी है नानी को, बोलो जल्दी जल्दी बोलो पापा के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करें, जल्दी बोल क्या। गाइस कुछ लाए ना लाए, पर जाती जरूर है एक बार बोलने पे। और जैसे गाइस ये सो रहे हैं ना, और मैं दवाई के लिए भी हिलाने आऊंगी या फिर किसी चीज के लिए उठाने आऊंगी, तो देखेगी मौन जा पापा को सोने दे, उन्हें चोट लगी है, हल्के हो गए टैटू। मेरे तो सारे ठीक है टैटू, बस ये वाला मेरा। गाइस कोई टैटू आर्टिस्ट ऐसा हो जो मेरे इस टैटू को सही कर सकता है, अम्मी ये मेरे वो करवा दो, बेशक सु पैसा लग जाए क्या? वो जो लेजर करवा मैं की दिक्कत है यू टैटू में, दिक्कत ही दिक्कत है। यू पी लिखवाया था मैंने, पम्मी लिखवाने की यहाँ हिम्मत नहीं हुई क्योंकि यहाँ हड्डी थी, तो इसे कवर कराने के लिए रोज बनाया, इसमें लाल रंग भरवाया था। कितने ही बड़े बड़े टैटू आर्टिस्ट पे मैंने करवा लिया, 3 पे ट्राई कर लिया, किसी पे भी इसकी फिनिशिंग हो ही ना पा रही। लाल भरवाना क्यों है, तो इसे ऐसी हरा बनवा दे इसे। ये हरा भी बनाते हैं जब भी फीका पड़ जाता है, मेरे यहाँ पे ना खून ही नहीं है, हड्डी हड्डी है और पानी लगता है, पानी लगा उसकी वजह से, तो पानी तो पूरे शरीर पे लगे। अच्छा पानी यहाँ लगे तो ये लो सेम टैटू, ये रहा ये मैंने सीपी से बनवाया था इसी जगह पे, ये वाला ना पी करवाया था इसके ऊपर, ये रोज तो इनसे बनवाया था जहाँ से हम बनवाते हैं, ये वाला सीपी वाला है, इसके नीचे पम्मी था, ढक दिया फिर यहाँ लिखवा लिया। गाइस अब मेरा मन कर रहा है फिंगर पे बनवाने का।
ऐसे तो नाम ढका गया, गुस्से में लड़ाई में नकवाया था, फिर लिखवा लिया। नहीं मेरा मन है ये वाला पम्मी रहने दो, फिंगर्स पे लिखवाने का, क्योंकि आपके नाम में 5 वर्ड है ना। ये मेरा मेरा मन है गुठी बनवा ले ना, 5 वर्ड की ना, गुठी नहीं टाटू, गुठी बनवा ले, वहां में घड़े लग जाएंगे। फिर वो तो आप पहन लोगे, पी ए एम एम आई पम्मी छोटे छोटे वर्ड्स में, और पता है आगे नहीं पीछे, नहीं आप रहने दो, मुझे शौक है ना टैटू का, पता कैसे करवाए करवाए सही में, और फिर ऐसे करा करेंगे है ना, मार ताली। तू मेरा दोस्त है ना, बीवी कौन है फिर तेरी बता, तू ही दोस्त है, तू ही बीवी है, और गर्लफ्रेंड कौन है, तू ही गर्लफ्रेंड, आई ना तेरी गर्लफ्रेंड सेटिंग है तो देखने, देखा हैंगी सेटिंग बाज हो रही हो कहते गाइस, नहीं मेरा पति बहुत लॉयल है सच में, कोई कहेगा ना कि पम्मी कहीं पी के पड़ा है मैं एक बार को, वो मान जाऊंगी, पर कोई कहेगा ना लौंडियाबाजी कर रहा है, मैं वो नहीं मान सकती। वैसे पी के भी पड़ा नहीं हो सकता ये, पर हाँ एक बार को कोई ये कहे ना झूठ तो मैं मान लूँ, सेटिंग ही नहीं मान सकती। यहाँ पे लौंडिया पटती ना वही फटी, बस गलती से मतलब आपका भटका है, अब नहीं देख अच्छा तुम्हारे जी में आवे लौंडिया देख के, बुढ़े हो गए तुम अभी, अब तो तुम जवान हुए 28 साल के हो गए, अभी कहाँ बुढ़े हो गए तुम, अभी कहो अभी तो तुम्हारा टाइम स्टार्ट हुआ है, अब तो तुम चालू हुए हो फेमस होना, अब जीता जाता है, एग्जांपल आपके सामने है, इधर ही फुफुक के मर रही है तुमसे, खड़ा हो फटाफट जिम जा बस, मेरे तो इतनी पता है इसको इतनी आग नहीं लग रही होगी खड़ी होने की जितनी मुझे लग रही है, कि फटाफट खड़ा होए उठे आगे, प्रोटीन भी खराब हो जाएगा, प्रोटीन पर आगे के काम काज करे, 3 महीने की फीस भी भरी, प्रोटीन ले आऊं, प्रोटीन तो पड़ा हुआ है, वो वेसन खा जाते हैं यार, अच्छा जिम के भी ना, एक्सरसाइज तो जरूरी है। तो गाइस अभी भैया खाना वाना खाया है और खाने पी के सारे बैठे खा पी के, हां तो कल भी मार्केट भी लगी भाई, बंद करवा दे भाई बहू, ओ मैं नहीं तो बुरी आदत हटा ले, आ सही आ रहा है, तो गाइस स्पैम हो रहे हैं थोड़े थोड़े ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे इस पैर की जोड़ मेरे हाथ पे आ जाए और तुम्हारा पैर चलने लगे, ऐसे हो सकता है तो मैं तुम्हारी जी ढोकला खाना है, जी ढोकला नहीं खाना, मेरे को टेस्ट कराइयो, ये पहले पैर दे देना यार, ऐसे क्या करती है इतनी बदतमीजी, देखना फ्रिज में रख दिया जी, एक बाइट दे दे कुतिया, गाइस मैं दिखाता हूं, तो मैं अपनी रानी दिखाता हूं गली में, कैमरे में देखता रहूं मैं, अभी बैक कैमरे से दिखाता हूं, तो गाइस वो खड़ी अपनी रानी, आज भाई 20 दिन हो गए मुझे अपनी रानी से मिले हुए, मिले हुए क्या हो गाड़ी में, हॉस्पिटल नहीं जाते, हाँ वैसे तो जाऊँ मगर वैसा है ना, देखी ना बाहर से बिल्कुल, तो कैमरा में देखते रहते हो, मैं अपनी गाड़ी में बिल्कुल मतलब कि धूल नहीं चढ़ने देता, और पता नहीं कैसी हालत हो रही है, हम भी धूल ना चढ़ने दे रहे, अपनी रानी खड़ी है, फिर अपनी रानी को देखते हुए ढंग है, और फिर से अपने तरीके से फिर हम जाएंगे घूमने, और अब ब्लॉग का एंड करते हैं, यार ये इतना पत्थर सा है मेरे, मारो मत, ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलेंगे भैया नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाबा लव यू।